नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों हम आपको एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा खुलासा, 2018 विधानसभा चुनाव में इस खास सीट पर हुई थी सेटिंग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कमलनाथ सरकार को गिराने के ऑडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने एक नया झमेला खड़ा कर दिया है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर। आप लोगों को बताते चलें, एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी की नेता उषा ठाकुर को जिताने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया और सेटिंग की तब जाकर के वे चुनाव जीती हैं। उषा ठाकुर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, वे पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की इस स्वीकारोक्ति के बाद एमपी की सियासत में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है और उषा ठाकुर का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है चुनाव आयोग में कांग्रेस ने, साथ ही आयकर विभाग से भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है कांग्रेस ने। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिमुल खान सूरी का कहना है कि विजयवर्गीय ने स्वीकार किया है कि वो पैसे से लोकतंत्र को खरीदते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है बीजेपी उपचुनाव से पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, कानपुर शेल्टर होम केस, प्रियंका गांधी बोली, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम केस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी की पोती है, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है, मेरा कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखने का नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सेना की वीरता का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, शिवसेना का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, गलवान घाटी मुद्दे पर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी गलवान घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों की ओर से दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शामिल एक विशेष सैन्य रेजिमेंट का उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी जातीय और क्षेत्रीय कार्ड खेल रहे हैं। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, पीएम मोदी से बोले राहुल गांधी, बिना डरे बोलिए चीन ने जमीन छीनी है और हम उन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है और उन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री को एक ओर तो आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में सारा देश उनके साथ है, तो वहीं दूसरी ओर उनसे मामले पर सच बोलने की गुजारिश भी की है। राहुल गांधी ने वीडियो में अपनी बात की शुरुआत सीमा पर शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन करते हुए की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सारा देश एकजुट होकर देश के सैनिकों और सरकार के साथ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत की एक इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली है,
कोई भी भारत के अंदर नहीं आया, मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि तीन तीन जगह चीन ने हमारी जमीन छीनी है। आगे आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चीन को फायदा होगा, हमें मिलकर इनसे लड़ना है और उनको उठाकर वापस फेंकना है। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम को बिना डरे बोलना होगा कि हाँ, चीन ने हमारी जमीन ली है और हम उन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि हमारे जो शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तमाम सवाल पूछे हैं केंद्र की मोदी सरकार से और एक बार फिर से लिया है निशाने पर मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की दवा बनाने वाले बाबा वही हैं जिन्होंने कहा था 2014 के बाद पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा और आज पेट्रोल और डीजल के दाम आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को बताते चलें, दिक्कत आयुर्वेद से नहीं बल्कि बाबा रामदेव और उनके अतीत से है। कोरोना की दवा बना लेने के रामदेव के दावों पर उठ रहे सवाल आयुर्वेद पर बिल्कुल भी सवाल नहीं है। आयुर्वेद पर तो इस देश को ऐसा विश्वास है कि झुमरी तलैया के किसी अनजान गांव का कोई गुमनाम जोगटा भी अगर आगे आके दावा करता है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली है तो करोड़ों लोग उस दवा को लेने टूट पड़ते। यकीन मानिए, ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के दावों को बाबा रामदेव के दावों से ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा होता और बाबा रामदेव को गंभीरता से ना लेने के वाजिब कारण भी हैं, क्योंकि ये वही रामदेव हैं जिन्होंने काला धन वापस आने के दावे किए थे, पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलने के दावे किए थे और घरेलू गैस का सिलेंडर 250-300 में मिलने की बात कही थी। अगर इन राजनीतिक मुद्दों को छोड़ भी दें तो ये वही रामदेव हैं जिन्होंने योग सिखाते सिखाते लोगों को पहले बताया कि मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है और फिर खुद ही अपनी मैगी बेचने लगे, वो भी ऐसी जो कई बार परीक्षणों में नेस्ले की मैगी से कहीं ज्यादा घातक पाई गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा रामदेव चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रामदेव के खिलाफ लगातार FIR दर्ज हो रही है और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से पूछा, जब चीन ने हमारी जमीन नहीं हड़पी है तो 20 जवान आखिर कैसे हुए शहीद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश जानना चाहता है कि क्या चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है, तो फिर हमारे 20 जवान आखिर कैसे शहीद हो गए। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि चीन ने घुसपैठ नहीं की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रक्षा और विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत करते रहे। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि आज जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो भारत जानना चाहता है कि हमारे 20 सैनिक गलवान घाटी में कैसे और क्यों शहीद हुए। ये यहां पर सोनिया गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चीन की दादागिरी रोकने को एशिया में अपनी सेना भेजेगा अमेरिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का एक बड़ा फैसला किया है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। ये यहां पर दोस्तों अमेरिका बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आत्मनिर्भर योजना पर अखिलेश यादव का तंज, बताया अस्थाई रोजगार का झुंझुना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मनरेगा में जनता को नाम मात्र के अस्थाई रोजगार का झुंझुना देने की जगह
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद हुए कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं व उनसे कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और एक बार फिर से लिया है निशाने पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत